तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लड़कों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें लड़कियाँ कतई पसंद नहीं करती। लड़कियाँ ऐसे लड़कों से बहुत दूर रहती है, इस तरह के लड़कों से वो दूर भागती है, उन्हें पसंद नहीं करती। सो अगर आप भी इस टाइप के हो जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो सुधर जाइए, नहीं तो आपके आसपास में भी कोई लड़की नहीं भटकने वाली अगर आप ऐसे हो। तो चलिए, अब ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला, अगर आप रोड छाप रोमियो हो, देखो भाई, अक्सर ऐसे बहुत से लड़के होते हैं जो ना लड़की के पीछे गंदे तरीके से पड़ जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो कितने प्यार करते हैं उस लड़की से। यकीन मानिए, पीछे पड़ना, रोड पे खड़े होकर आशिक की तरह बातें करना, गाना गाना, देख करके कमेंट्स करना, ये गंदी घटिया हरकतें लड़कियों को पसंद नहीं आती। तो अगर आप ऐसे हो और आप ये चाहते हो या आप ये सोचते हो कि आपकी इस हरकत से वो लड़की जिसके लिए आप ये सब कर रहे हो वो इम्प्रेस हो जाएगी, तो कतई ऐसा नहीं होने वाला। वो कभी भी आपसे इम्प्रेस नहीं होने वाली। इनफैक्ट वो शायद आपकी थोड़ी बहुत इज्जत भी करती होगी ना, लेकिन इस तरह की हरकतों से आप उसकी नज़रों में अपनी इज्जत भी गंवा देंगे। तो रोड छाप रोमियो बनने की कोशिश ना करें, ना बने, सुधर जाएं, क्योंकि लड़कियां दूर रहती है ऐसे लड़कों से। दूसरा, वो लड़के जो काम धंधा नहीं करते, जो कुछ काम नहीं करते, देखिए कमाना कंपलसरी है, जिसके बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। क्योंकि लड़के जब तक कमाते नहीं है, लड़कियों को भाते भी नहीं है, तो कमाना शुरू कर दीजिए। देखो दोस्तों, किसी को पसंद नहीं आता कि लड़का सुबह घर से निकल जाए, रोड पर घूमे, दोस्तों के साथ में इधर उधर लड़की को छेड़े और उसके बाद लड़की को प्रपोज कर दे और बताए अपने हाथ पर उसका नाम लिख के कि देखो मैं कितना प्यार करता हूँ, कितना चाहता हूँ। इस तरह के आशिक किसी को पसंद नहीं आते। तो आशिक बनने से पहले लायक बन जाइए, क्योंकि अगर आप कमाते हैं, एक डिसेंट सैलरी है आपकी, एक अच्छी इमेज है आपकी दूसरों की नज़रों में, उसके बाद अगर आप एक लड़की को प्रपोज करेंगे तो आपका काम बन सकता है। बट निठल्ला बेकार आदमी को कोई पसंद नहीं करता, लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं आते। साथ ही साथ साफ सफाई का भी ध्यान रखें, ऐसा ना करें कि पता चले कि आपकी बॉडी से दुर्गंध से आ रही है, चार दिन नहाए नहीं हो और उसके बाद आप उस लड़के के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो ये काम ना करें। ये वैसे भी आपको समझना चाहिए यार, ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं कि अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना कितना जरूरी है, अपने लुक्स पर ध्यान देना कितना जरूरी है। आप फीचर्स नहीं बदल सकते, अलग बात है, लेकिन अपने आप को ठीक ठाक तरीके से ठीक ठाक कंडीशन में तो रख सकते हैं ना, वो रखिए। जब आप डिसेंट दिखते हैं ना, तो लड़कियों की निगाहें अपने आप ही आप पर आ जाती है। आपने देखा है ना कितनी बार लड़कियां देखकर बात करती है, क्या रे कितना स्मार्ट लग रहा है, हॉट लग रहा है। वो लड़के चाहे अंदर से कैसे भी हो, एटलीस्ट देखकर तो लड़कियों का दिल आ ही जाता है ना, देखकर तो लगता ही है ना कि वाओ क्या बात है। तो ये करना जरूरी है, अगर आप डिसेंट नहीं दिखते तो एटलीस्ट बेकार मत दिखिए। पता चले गंदे से कपड़े पहन के बिना नहाए धोए आप कहीं पर भी घूम रहे हैं और आप ये उम्मीद करते हैं कि लड़कियां आपको देखकर पसंद करेगी, तो कतई नहीं करेगी। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं आते और ना ही लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो रोड पे खड़े होकर बाकी लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। इसके साथ ही साथ लड़कियों को वो भी लड़के पसंद नहीं आते जो बाकी लड़कियों पर कमेंट कसते रहते हैं भद्दे भद्दे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो सुधर जाइए। लड़कियाँ सबसे ज़्यादा हेट इन्हीं लड़कों को करती है जिनके पास में कोई काम धंधा नहीं है लड़कियों को छेड़ने के अलावा। तो लड़कियों को ऐसे लड़के भी अच्छे नहीं लगते। मेनी टाइम कुछ ऐसे बेवकूफ़ लड़के हैं जो ये समझते हैं कि लड़कियों को छेड़ने से वो कूल दिखते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप उन्हें नहायत ही बेशरम और घटिया लगते हैं जब आप उन्हें छेड़ते हैं। तो इस तरह की हरकतें कतई ना करें, क्योंकि लड़कों को ये भी पसंद नहीं आता। और एक चीज़ जो अक्सर लड़के करते हैं कि लड़कियों को DM करते फिरते हैं कि यार यू आर लुकिंग सो हॉट, ये मेरा नंबर है, प्लीज़ कॉल मी बैक, आई लाइक यू, आई रियली लव यू। पता नहीं क्या क्या आप उनको DM करते हो और आपको लगता है कि वाओ अब लड़की सामने से मैसेज खोलेगी, देखेगी, पढ़ेगी और मेरे ऊपर मर जाएगी। नहीं, वो ओपन करेगी, देखेगी और आपको ब्लॉक कर देगी, फिर दोबारा आपका शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगी। तो ये जो DM करते फिरते हो ना आप लड़कियों को, इससे आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते। और इस हरकत से जो इम्प्रेस भी होगी ना, वो खुद भी आप जैसी ही होगी जो बाकियों को DM करती फिरती है। तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं कि लड़की आपको DM करे, तो पहले आप इस काबिल बन जाइए और अपने स्टेटस पर, अपने लुक्स पर, अपने पॉकेट पर काम कीजिए, इसे बढ़ाइए, फिर देखिए लड़की आपको DM करेंगी। अब बात तो यही बनने में है ना कि लड़की आपको पसंद करे, क्योंकि लड़कियों के पीछे भागने में कोई मज़ा नहीं है लाइफ में, यकीन मानिए। मज़ा उसमें है जब लड़कियाँ कहे कि वाओ क्या लड़का है यार, कितना हैंडसम है, और आपको DM करे कि यार प्लीज़ कॉल मी, मतलब कि अपना नंबर देकर कहे कि यार एक बार बात कर लो, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो इसमें है कोई बात, करना है तो ये करो, वरना DM करते ना फिर हो। इसके साथ ही जो आप लोगों का लाउड बिहेवियर होता है ना, वो भी बड़ा बचकाना, बड़ा भद्दा लगता है। अक्सर क्या होता है, आप जब पब्लिक में खड़े होते हो तो आप बहुत लाउड बिहेव करते हो, बहुत ज़्यादा चिक चिक कर बातें करते हो अपने दोस्तों से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को नोटिस करवा रहे हो, आप दूसरों के अटेंशन लेना चाहते हो।
वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हो, इस वजह से आप ऐसे हरकतें करते हो। और लड़कियाँ नो डाउट आपको देखती भी है और आपको लगता है कि यार वाओ देखो देखा ना इसने, अब ये मुझे पसंद कर रही है, क्योंकि वो लड़की आपको बार बार देख रही होती है। बट आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि शायद वो आपको इसलिए नहीं देख रही है कि आप बड़े कूल लग रहे हो, वो इस इरिटेशन की वजह से देख रही होती है कि अरे लड़के कैसे शोर कर रहे हैं, जाते क्यों नहीं, इनकी वजह से तो बैठना ही मुश्किल हो गया, शोर मचा रखा है। तो ये चल रहा होता है उनके दिमाग में। सो इस थॉट की वजह से वो आपको बार बार देखती है, क्योंकि वो चाहती है कि आप वहाँ से उठ के चले जाओ। जो आपका लाउड बिहेवियर है, जो आपका चीखना चिल्लाना है, जो आपका यार यार करके अपने दोस्तों से बातें करना है, वहाँ जहाँ पर आप बैठे हो पब्लिक प्लेस पर आपने जो हल्ला मचा रखा है ना, वो लड़कों को पसंद नहीं आता। तो इतना लाउड बिहेव कभी ना करें। और वैसे भी आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए कि पब्लिक प्लेस पर बिहेवियर थोड़ा सा डिसेंट हो, शांत हो, साथ में जो बैठा हुआ इंसान है वो आपकी बातों से आपके बिहेवियर से इरिटेट ना हो। इन चीज़ों का वैसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए और लड़की के पर्पज़ से भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ ऐसा पसंद नहीं करती। इसके साथ ही लड़कियाँ उन लड़कों को भी बिल्कुल पसंद नहीं करती जो दो तीन बार मना करने के बाद भी चौथी बार मुँह उठाकर चला आता है प्रपोज करने के लिए उनको। लड़कियाँ नफरत करती है ऐसे लड़कों से। देखो भाई, कई बार क्या होता है ना, आपको जब कोई लड़की पसंद आती है ना, तो आप बस उसके पीछे पड़ जाते हो और आपको लगता है कि यार कोई बात नहीं, वो मना कर रही है तो करने दो, मेरा काम है उसके पीछे पड़ना और मैं पीछे पड़ूंगा जब तक वो हाँ नहीं करेगी। तो ये जो आपकी अप्रोच है ना, वो बहुत गलत अप्रोच है। लड़की एक बार प्यार से मना करती है, दो बार तीन बार प्यार से मना करती है, लेकिन चौथे टाइम से उसको आपसे नफरत होने लगती है। चौथे टाइम आप जाएंगे ना तो आपको यू नो हेट करती है कि यार ये क्यों आ रहा है, कितना बदतमीज़ है, इसको समझ में ही नहीं आता क्या, मैंने क्या बोला है। इस तरह का बिहेवियर होता है लड़कियों का, ऐसी सोच होती है लड़कियों की आपके बारे में। सो इस तरीके से हाथ धोकर पीछे पड़ने वाले लड़कों को लड़कियाँ पसंद नहीं करती, इसलिए कभी भी ये चीज़ें ना करें। अगर एक लड़की आपको रिजेक्ट कर दे तो रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लीजिए और मूव ऑन कर जाइए। सो ये पांच टाइप के लड़के हैं जिनसे लड़कियाँ बेहद हेट करती है। ये कुछ हरकतें हैं जिन हरकतों को लड़कियाँ पसंद नहीं करती। तो अगर आप ऐसे हैं या ऐसे बिहेव करते हैं तो खुद को अभी सुधार लीजिए, वरना आपके आसपास में कोई भी लड़की कभी भी नहीं भटकेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी आपको बातें बताई होंगी आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।